चलिए अब देखते हैं टॉपिक फोर पॉइंट सिक्स वैक्टर एडिशन बाय एनालिटिकल मेथड देखिए अभी तक हमने जो वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन की मेथड देखी वो थी ग्राफिकल मेथड जिसमें हमने ट्राइंगल मेथड और पैरालोग्राम मेथड भी देखी इन दोनों मेथड में आपको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ता है यानी कि आपको फिगर ड्रॉ करनी पड़ती है और अगर उसमें फिगर ड्रॉ करने में अगर वेक्टर की लेंथ आपने कम ज़्यादा ले ली या फिर उसका एंगल आपने थोड़ा सा भी बदल दिया तो आपका पूरा आंसर गलत आएगा मीन्स के जो रिजल्टेंट वेक्टर आपको मिलेगा वो सही नहीं मिलेगा इसलिए उस मेथड में एरर होने की पूरी पूरी गुंजाइश है जबकि अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है वैक्टर एडिशन की एनालिटिकल मैथड वैसे ये वैक्टर एडिशन और सब्रेक्शन दोनों के लिए है एनालिटिकल मैथड इसमें कुछ भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ती है ये इसका सबसे बड़ा फायदा है अब ये मेथड क्या है इसमें क्या करना है ये मैं अभी आपको समझाता हूं चलिए इफ वी आर हैविंग टू वैक्टर्स वैक्टर ए इजक्ल टू ए एक्स कैरेट आई प्लस ए वाई कैरेट जे एंड vector b that is equal to bx caret i plus by caret j this type of two vectors we are having and we need to find out a resultant vector r then resultant vector that is let us say vector r. So, you can write vector r is equal to vector a plus b right. Now, at the place of a I am putting the equation of a that is ax caret i plus ay caret j and then I am putting the equation of vector b that is bx रेट आई प्लस बी वाई कैरेट जे ठीक है अब आप जानते हो कि वेक्टर एडिशन में एसोसिएटिव लॉ भी ओबे अब, होता है और कम्यूटेटिव लॉ भी ऑबे होता है तो इस इक्वेशन को फर्दर मैं ऐसे लिख सकता हूं मैं ए एक्स और बी एक्स में से कॉमन जो है कैरेट आई वो ब्रैकेट के बाहर ले लेता हूं और इसी तरह से ए वाई बी वाई में से कॉमन जो है जो है करेक्ट जे उसको बाहर ले लेता हूं ठीक है ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर वन अब आप जानते हो कि किसी भी वेक्टर के लिए आप ऐसे तो लिख ही सकते हो कि भाई वेक्टर आर इज कल टू आर एक्स कैरेट आई प्लस आर वाई कैरेट जे जैसे आपने वेक्टर ए के लिए लिखा ए एक्स कैरेट आई प्लस ए वाई करेट जे और वेक्टर बी के लिए लिखा आपने बी एक्स कैरेट आई प्लस बीवाई कैरेट जे इसी तरह से आर के लिए लिख सकते हैं आरएक्स कैरेट आई प्लस आर वाई कैरेट जे सो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू अब देखिए ये वन एंड टू आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो यहाँ पे है ए एक्स प्लस बी एक्स करेट आई यहाँ पे है ए वाई प्लस बी वाई करेट जे जबकि यहाँ पे आर के इक्वेशन में है आर एक्स करेट आई और आर वाई करेट जे तो इसका मतलब ये हुआ कि आर एक्स इजगल टू ए एक्स प्लस बी एक्स और आर वाई इजकल टू ए वाई प्लस बी वाई आप लिख सकते हो तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन पे से लिखें तो हम ऐसा लिख सकते हैं आर एक्स इजकल टू ए एक्स प्लस बी एक्स और आर वाई इजकल टू ए वाई प्लस बीवाई और यही है हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन क्योंकि अगर आपको रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट मिल गया है तो इसके ऊपर से आप रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हो और रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन भी आप फाइंड कर सकते हो राइट right? मैं वो भी लिख देता हूं नाउ आर विल बी इक्वल टू वट इक्वेशन है आपके पास आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर राइट और थीटा क्या हो जाएगा इसके लिए थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स आर वाई अपॉन आर एक्स ये इक्वेशन ही है हमारे पास है ना यहाँ पे ये जो पहला इक्वेशन है वो किसका है मैग्नीट्यूड का और ये जो दूसरा इक्वेशन है वो किसका है ये है डायरेक्शन का तो देखिए इस तरह से आपको ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी मिल रहा है और उसकी डायरेक्शन भी मिल रही है तो बस वेक्टर में और क्या चाहिए हमें आपको रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल जाए और डायरेक्शन मिल जाए तो इसका मतलब कि वेक्टर मिल गया आपको तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे कोई भी ग्राफ ड्रॉ नहीं किया है बिना कोई ग्राफ ड्रॉ किए सिर्फ मैंने पहले आर एक्स और आर वाई फाइंड कर लिया फिर इन दोनों इक्वेशन से मुझे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड मिल गया हाँ आर एक्स और आर वाई फाइंड करने के लिए आपको ए एक्स और ए वाई बी एक्स और बी वाई ये चार चीज़ें चाहिए यानी कि जो पहले दो वैक्टर्स हैं उनके दोनों कंपोनेंट्स आपको चाहिए यहाँ पे यही मेन बात है रिजल्टेंट वैक्टर का एक्स कंपोनेंट ये दोनों वेक्टर के एक्स कंपोनेंट के एडिशन जितना होता है और रिजल्टेंट वेक्टर का वाई कंपोनेंट ये दोनों वेक्टर के वाई कंपोनेंट के एडिशन जितना होता है ये बात हम लिख लेते हैं यहां पे आप देख रहे हो कि इस मेथड की सबसे स्पेशल बात ये है कि इसमें कोई भी ग्राफ हमें ड्रॉ नहीं करना होता और इसलिए इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती आपको सिर्फ एडिशन ही करना है अगर सप्रेक्शन है तो सप्रेक्शन करना है वो भी हम देखेंगे अभी लेकिन इसमें गलती नहीं होती मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ईच कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर आर इज द सम ऑफ द कोरोस्पोंडिंग कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी देखिए इसके बारे में लिखा है ये जो लेफ्ट साइड में इक्वेशन है इसके बारे में लिखा है हमने कि ईच कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर वेक्टर आर इज द सम ऑफ द कोरोस्पोंडिंग कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी राइट यहां पे कॉरस्पोंडिंग कंपोनेंट यानी कि अगर ये आर एक्स है तो यहां पे ए एक्स प्लस बी एक्स और अगर ये आर वाई है तो यहां पे ए वाई प्लस और हमने आगे बात की कि अगर एक बार आर एक्स और आर वाई मिल जाता है तो इस इक्वेशन से आपको मैग्नीट्यूड और इस इक्वेशन से आपको डायरेक्शन भी मिल जाती है मेन बात है कि रिजल्टेंट वेक्टर के कंपोनेंट्स फाइंड कर लेना ठीक है अच्छा अब देखते हैं कि इसमें हम थ्री डायमेंशनल वेक्टर को भी यूज कर सकते हैं ये अभी तक टू डायमेंशनल वेक्टर था लेकिन अगर थ्री डायमेंशनल वेक्टर है तो क्या होगा वो भी देख लेते हैं फॉर three dimensional like a a which is ax caret i plus ay caret j plus az caret k and vector b is equal to bx caret i plus by caret j plus bz caret k the resultant vector

आर एक्स विल बी एक्स प्लस बी एक्स आर वाई विल बी ए वाई प्लस बीवाई एंड आरजेड विल बी ऑब्वियसली ए जेड प्लस बीजेड आपने देखा यहां पे एक तीसरी टर्म ऐड हो गई यानी कि एक तीसरा कंपोनेंट ऐड हो गया तो इस तरह से आपको रिजल्टेंट वेक्टर के ये कंपोनेंट्स मिल जाते हैं दिस इज कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर आर और एक बार कंपोनेंट मिल गए आपको तो फिर आप इसमें से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं चलिए अब देखते हैं कि वेक्टर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों एक साथ इसमें कैसे हो सकता है देखिए इस मेथड का सबसे बड़ा फायदा ये कि आप कितने भी वेक्टर ले लो इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन सब कुछ एक साथ ही आप कर सकते हो जो कि ग्राफिकल uh, मेथड में तो कभी पॉसिबल ही नहीं है आपको दो दो वेक्टर के एडिशन करने के बाद आपको सबट्रैक्शन करना पड़ेगा बहुत लंबी मेथड होती है इन शॉर्ट यहाँ पे ये इजी हो जाता है चलिए देखते हैं फॉर थ्री थ्री डायमेंशनल वेक्टर, जैसे कि वेक्टर ए इजगल टू ए एक्स करेट आई प्लस ए वाई करेट जे प्लस ए जेड करेट के फिर बी इजगल टू बी एक्स करेट आई प्लस बी वाई करेट जे प्लस बी जेड करेट के और ऐसे ही वेक्टर सी है सी एक्स करेट आई प्लस सी वाई करेट जे प्लस सी जेड करेट के आप देख रहे हो कि तीनों तीन वेक्टर ये कैसे हैं थ्री डायमेंशनल है तो इसमें र रिजल्टेंट वैक्टर कैसा लेंगे रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर आर इज टू ए प्लस बी माइनस सी देख ना मैं वेक्टर ए और बी का मैं एडिशन कर रहा हूं लेकिन सी को मैं सप्रेक्ट कर रहा हूं तो ऐसे में इसके जो कंपोनेंट्स मिलेंगे हमें वो हम लिख लेते हैं पहले मैं यहां पे ये लाइन कंप्लीट कर लेता हूं द रिजल्टेंट वैक्टर आर दैट इज ए प्लस बी माइनस सी विल हैव कंपोनेंट्स लाइक यहां पे आगे लिखना पड़ेगा आर एक्स दैट विल बी एक्स प्लस बी एक्स माइनस सी एक्स आर वाई देट विल बी इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई माइनस सी वाई एंड आर जेड दैट विल बी इक्वल टू ए जेड प्लस बी जेड माइनस सी जेड राइट अब फिर इसमें से आप मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हो सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर विच इज द रिजल्टेंट वेक्टर आर कैन बी सॉर्ट आउट बाय दिस इक्वेशन जो कि हम हर बार करते हैं वही अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वा प्लस आर जेड स्क्वायर तो इस इक्वेशन से आपको इसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर का अब देखिए कि ये कैसा रिजल्टेंट वेक्टर आएगा इसमें आर इजकल टू ए प्लस बी माइनस सी है आर इजकल टू ए प्लस बी माइनस सी है तो ऐसे दो वेक्टर का एडिशन और एक वेक्टर का सबट्रैक्शन इसका रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको यहाँ पे मिल गया वैसे इसमें डायरेक्शन भी ले सकते हैं लेकिन ये थ्री डायमेंशनल वेक्टर है तो डायरेक्शन में तीन एंगल्स आएंगे और जैसे कि मैंने आपको आगे ही कहा है कि ये सिलेबस में नहीं है तो फाइनली हमने आज ये देखा कि हम आ, इस एनालिटिकल मेथड से कुछ भी ड्रॉ किए बिना रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर में दरअसल हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दो ही चीज़ चाहिए होती है तो वो हमें इससे मिल जाती है हमारा ये चैप्टर टू डायमेंशनल मोशन का है तो ऑब्वियसली इसमें हम रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही फाइंड करेंगे इसके लिए हम आगे न्यूम्रिकल्स देखेंगे तब आपको बात समझ में आएगी और इसके क्वेश्चन आंसर्स की पी मैंने लिंक में रखी है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से इसको डाउनलोड कर सकते हो